The Congress on Wednesday accused the Modi government of following double standards and demanded the suspension of BJP member Anurag Thakur from the Lok Sabha for filming proceedings of the House on his phone. Addressing a press conference here in New Delhi, Congress leader in the Lok Sabha, Mallikarjun Kharge, alleged that the BJP government was preventing the Lok Sabha from debating issues facing the country. He said, "Hum charcha ke liye kisi bhi form mein tayar the. Agar aap immediately question hour ke baad bhi unko discretion hai. Jaisa ki discretion unhone at rule 374A istemal kiya aur hamare 6 members ko निलंबित किया गया। ये रूल तो आपने अप्लाई किया, लेकिन उसके लिए सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? वो तो सारे जनता के लिए है। देश में माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, और जो चुपचाप कानून के मुताबिक जो ये खाने के लिए कुछ ले जाते हैं तो उसके लिए आप बीप बोलो मीट बोलो कुछ भी उनको क्या मालूम है खींच खींच के मार रहे हैं तो बाद में देखते हैं तो ये जो जा रहे हैं इन लोगों को आप तो एक तरफ मार रहे हैं और उनकी बात जब हम उठाते हैं तो उसको परमिशन नहीं मिलता और जो मेंबर उसी पर असली चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो उनको आज सस्पेंड किया गया है आज ये तीसरा दिन है इतना बड़ा पनिशमेंट किसी वक्त भी नहीं हुआ हालांकि अनुराग ठाकुर वहां वीडियो निकाल रहे थे उनको माफ किया जाता है वार्निंग दिया जाता है और जो लोग इस देश के गरीब जनता की बात उठाते हैं और उनके वॉइस को दबाने की कोशिश अगर सरकार करती है ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है और ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात यहाँ हो रही है और ऐसे डिक्टेटरशिप को हम नहीं डरने वाले हैं लेकिन हमारे मेंबर को डराने की भी अगर कोशिश कोई करता है तो उसको भी हम सहन नहीं करेंगे और ये दोहरी चाल जो है एक तरफ एक मेंबर को माफ करना दूसरे मेंबर जो जनता के इश्यू को उठाते हैं उनको दबाना उनके वॉइस को उनके आवाज को दबाना ये बुरी बात है तो हम ये चाहते हैं कि इसको इमीडिएटली रिवोक करें और अनुराग ठाकुर जो हाउस में की उसके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और दूसरी चीज यही चीज मान ने किया भगवत मान और आउटसाइड द हाउस उसको तो 3 सेशन का दे दिया यानी ये क्या है कौन से यार्ड स्टिक्स है ये डेमोक्रेसी के कौन सा तरीका है चलाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑन मंडे 6 कांग्रेस MPs Gaurav Gogoi, Adhir Ranjan Chaudhary, Ranjit Ranjan, Sushmita Dev, M.K. Raghavan and K. Suresh were suspected for 5 sittings of the House after they tore and threw papers in the House as well as towards the Speaker's podium.